देखिए, क्लास 12th का हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री देख रहे हैं। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, क्या है? सॉलिड स्टेट। ये किसमें आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। किसमें आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। देखिएगा कि मैटर, सबसे पहले सॉलिड स्टेट को शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या जा रहे हैं? मैटर पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैटर पे। देखिए, मैटर होता क्या है? मैटर होता है क्या? एनी थिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस करता हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैटर। मैटर कितने तरह का होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कॉन्डेंसेट। पर क्लास 12th में हम लोग को ये तीन ही पढ़ना है। ये ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग लेवल पे भी ये नहीं आता है। अब देखिएगा, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा कहाँ होता है? प्लाज्मा कहाँ होता है? तो इन स्टार्स में होता है। कहाँ होता है? स्टार्स में। और बीईसी कहाँ होता है? एट 0 केल्विन पे। कब होता है? 0 केल्विन पे इसको बनाया जाता है लैब में। अब देखिए, सॉलिड क्या होता है? टाइप ऑफ मैटर विच आर रिजिड, इनकम्प्रेसिबल। तो क्या है आपका? रिजिड हो। रिजिड मतलब थोड़ा बहुत कठोर हो, इनकम्प्रेसिबल है। आप उसको दबा नहीं सकते। दबाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो। जैसे अगर देखेंगे हम इसका, अगर पार्टिकल नेचर देखेंगे, तो इसका जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? बहुत नजदीक नजदीक होगा, जिसके कारण क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होगा और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, अब देखिए, सॉलिड का जो होता है वो क्या होता है? दो टाइप का होता है। सबसे पहले क्या है आपका? क्रिस्टलीन सॉलिड। दूसरा क्या है? अमोर्फस सॉलिड। क्लास 12th आपका यहीं से स्टार्ट होता है कि टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने तरह का होता है? कितने तरह का होता है? क्रिस्टलीन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। ओके, अब इसका हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में क्या देखे थे? क्रिस्टलिन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। ठीक है, देखिए, क्रिस्टलिन सॉलिड को क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं हम लोग आए क्लास में देखेंगे, मतलब अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड का नाम क्या है? स्यूडो सॉलिड। ठीक है, देखिए, एक्चुअली रीजन क्या है, मैं अभी दे देता हूँ। एक्चुअली रीजन ये है कि हम लोग सॉलिड का मतलब क्या होता है? कठोर होना चाहिए ना। तो एक्चुअली क्या है कि सॉलिड का जो भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग 90% जो सॉलिड देखते हैं वो क्या है आपका? ट्रू सॉलिड आता है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या हो जाएगा? वो स्यूडो सॉलिड, मतलब झूठा सॉलिड। जैसे एग्जांपल के तौर पर, हम लोग जो क्लास 9th में जो हम लोग पढ़े थे कि ट्रू सॉलिड क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को देखेंगे तो प्लास्टिक क्या होता है आपका? कठोर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? वो स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठा। क्या होता है? झूठा। अब क्या हो गया? ये सॉलिड हो गया। अब देखिए, इसका नेक्स्ट भी, इसका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या होता है? आप लोग इसी से इसका डिफिनेशन भी बना सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा तो डिफरेंस ही पूछेगा। देखिए, नेक्स्ट क्या है? शेप है। देखिए, ट्रू सॉलिड का जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है? शेप जो होता है वो क्या होता है? डिफिनिट होता है। क्या होता है? डिफिनिट होता है। इसका क्या होता है? इरेगुलर होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसका क्या होगा? फिक्स होगा। और इसका क्या होगा? नॉट फिक्स होगा। इसका रीजन भी देखेंगे। देखिए, एक्चुअल में ऐसा है कि जो क्रिस्टलिन सॉलिड का जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो क्या है कि फिक्स में है। जैसे मान लीजिए, अगर इसका पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, तो पूरा वो स्क्वायर ही तक चलेगा। तो हमको जो हीट एनर्जी जो यहाँ पे लगेगा, तो हमें इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा। मतलब की बात यह है कि अगर मान लीजिए हमें एक पैटर्न को तोड़ना है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? हमें तोड़ना है। अगर एक पैटर्न को अगर हमें तोड़ना है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें 10 जूल का एनर्जी लग रहा है, तो यहाँ भी आपका 10 ही जूल का एनर्जी लगेगा, यहाँ भी आपका 10 ही जूल का एनर्जी लगेगा। पर जब से हम देखेंगे अमोर्फस सॉलिड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैटर्न अलग अलग है, तो मान लीजिए स्क्वायर वाला पैटर्न को तोड़ने में 10 जूल का एनर्जी लग रहा है, तो मान लीजिए ट्राइंगल वाले को तोड़ने में कितना लग रहा है? 7 जूल का लग रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफर कर रहा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? नॉट फिक्स होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? आफ्टर कटिंग, किसी भी चीज को कट करने के बाद में अगर उसका जो सरफेस होगा वो अगर स्मूथ हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर क्रिस्टलिन सॉलिड में देखते हैं, तो इसको कट करने के बाद में इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? ओके, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर क्रिस्टलिन सॉलिड को अगर देखते हैं, तो उसका जो
कटिंग करने के बाद में जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। कैसा होता है? स्मूथ होता है। अगर अमॉर्फस सॉलिड का देखेंगे तो वो कैसा होता है? इरेगुलर सरफेस होता है। कैसा होता है? इरेगुलर सरफेस, मतलब करने के बाद में वो क्या होता है, उसका सरफेस जो होता है स्मूथ नहीं होता है। सिंपल सी लॉजिक भाई, सिंपल से डिक्शनरी वाला इसका लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं इसका रेंज ऑर्डर। देखो रेंज ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि अगर सॉलिड को, अगर मान लीजिए क्रिस्टलिन सॉलिड है, तो इसका जो पैटर्न है वो लंबी दूरी तक वो कैसा पैटर्न है, ठीक है। तो उसका जो पैटर्न जो होता है, इसका जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या है कि एक ही पैटर्न को बहुत लंबी दूरी तक फॉलो करता है, इसलिए क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और जबकि स्यूडो सॉलिड मतलब क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड में इसका क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। समझ में आया, क्योंकि इसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, लंबी दूरी तक सेम फॉलो नहीं होता है। ओके अब देखिए जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जो डिफरेंस का है वो क्या है, एनिसोट्रॉपिक। देखो इसका हमने डिफिनेशन नीचे लिख दिया है, पर हमें एक बात सिर्फ लिखना है कि ये क्रिस्टलिन सॉलिड में ये क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है, मतलब ये आइसोट्रॉपिक नहीं होता है। बात समझ में आया, ये क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक। ओके, और जाहिर सी बात है अमॉर्फस में क्या होता है, नो होता है, मतलब ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल कुछ मैंने लिखा है, एग्जांपल में बहुत सारा जो भी हम 90% जो चीज देखते हैं वो सब क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड है, जैसे कि NaCl, मेटल्स, डायमंड, क्वार्ट्स, सब क्या है, जो बोर्ड है ये भी क्या है आपका, क्रिस्टलिन सॉलिड है। लेकिन अगर देखते हैं अमॉर्फस सॉलिड का, तो जिसको भी चीज आप इसका लमड़ा सकते हैं, जिसका भी आप उसको क्या कर सकते हैं, जिसका शेप आप चेंज कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं आप, अमॉर्फस। जैसे कि क्वार्ट्स प्लास्टिक, क्वार्ट्स ग्लास, याद रखने वाली बात है, जो क्वार्ट्स होता है, ये क्वेश्चन में आता है, जो क्वार्ट्स होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, लेकिन जो क्वार्ट्स ग्लास होता है वो क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है। क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड रहेगा, याद रहेगा अमॉर्फस सॉलिड का। बोलो बच्चों अमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, स्यूडो सॉलिड। क्या है, स्यूडो सॉलिड। अब देखेंगे क्या एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। देखो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन विच एक्सिबिट वेरिएशन अलोंग डिफरेंट मॉलिकुलर एक्सिस। मॉलिकुलर एक्सिस का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सॉलिड है, क्या है, कोई सॉलिड है, मान लीजिए हम वो चैप्टर में जो ज्यादा सारा कुछ देखेंगे वो क्या देखेंगे, क्यों भी देखेंगे, तो मान लीजिए सारा कुछ सॉलिड है, इसका जो डिफरेंट एक्सिस, मान लीजिए एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस, ठीक है। ये फिर अलग एक्सिस हो गया, ये फिर अलग एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए सी क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा, और बी और ई के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए हमने क्या लिखा है, विच हैव डिफरेंट मॉलिकुलर एक्सिस, इसका एक्सिस क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। द प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, और ये कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग यहाँ क्या देखे हैं कि जब हम क्रिस्टलिन सॉलिड का देख रहे थे तो ये क्या है, एनिसोट्रॉपिक है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या करता है, क्रिस्टलिन सॉलिड शो करता है, लेकिन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि आपको ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। याद रखिएगा कि जब हम लोग जैसे थर्मल कंडक्टिविटीज या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम क्वार्ट्ज में, मतलब क्या एमॉर्फस में जब हम देखते हैं तो क्या होता है आपका, देखिए कोई भी टकराए हुए क्या हो गया, बिना टकराए हुए आगे निकल गया, क्योंकि इसका जो एक्सिस होगा, क्योंकि इसका जो एक्सिस होगा क्या होगा, अमॉर्फस सॉलिड का एक्सिस होगा क्या होगा, सब इक्वल होगा, इसलिए कोई टकराएगा नहीं। पर क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या है, अनइक्वल है, इसलिए जो आपका जो रेज आ रहा है, रेज आने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देख सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी देखिएगा तो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखेंगे, इसका डिफरेंस लिखवा दिया हूँ, नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। ओके, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, आज के लिए बस इतना ही।